सर्दी आते ही किनु फ्रूट सब शुरू हो जाते हैं और सर्दी के मौसम में स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए ज़रूर खाएं और जितना हो सके खाएं और दिन के वक्त खाएं शाम के बाद रात में ना खाएं और ये माशाल्लाह आ गए हैं किनु भी आ गए हैं मौसम भी अभी आ गई हैं और ये मेरे मनपसंद फ्रूटर हैं वो आ गए हैं और ये मैं बहुत खाती हूँ और ये मैं जो है वो गाड़ी में बैठ के आपको पहले भी दिखाया था बताया था कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये माशाल्लाह मौसम का फ्रूट है तो ये खूब खाएं बच्चों को खिलाएं और दिन में खाएं और इन ये खाएंगे खूब ले लेके खाएंगे इन और आज शहजाद जैनब क्या बना रही है ये देखते हैं ओहो आज तो शहजादी जैनब कुछ खाना वाना बना रही है और पूछते हैं शहजादी जैनब से शहजादी जैनब क्या बना रही है क्योंकि आज हमारी मेड नहीं आई है और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े तो आज ये सारा काम करेंगे और काम तो आपको नहीं दिखाएंगे जहर अब ये दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है तो अब मेन है हमारा खाना बनाना तो आज मैंने गोश्त उबाल के थोड़ा सा रखा था तो मैंने शहजादी से बोला कि आज बना लेते हैं बिरयानी तो थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो शहजादी जैनब ने कहा कि मामा आप काम कीजिए सारा और मैं आज खाना बना लेती हूँ तो आज मेरी शहजादी छोटी सी गुड़िया मेरी नन्नी सी गुड़िया बना रही है बिरयानी तो भाई हम शहजादी से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाँ जी शेजादी जनाब आज आप क्या बना रही हैं बताइए सबको मम्मा आज मैं बना रही हूँ बिरयानी क्योंकि आज हमारी मेड भी नहीं आई तो आपको सारा काम करना पड़ रहा है तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद के लिए आज मैं बना देती हूँ बिरयानी थैंक यू तो आप इंग्रेडिएंट्स थोड़े से बताएंगे क्या बना रही हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मम्मा आज मैं बिरयानी बना रही हूँ तो जो आप मसाले निकालती हैं मैंने आपकी वीडियो देख के इसमें से निकाली है कि आप क्या क्या मसाले निकालती तो मैंने मसाले मसाले लिए हैं और वहाँ पे मैंने गोश्त निकाल लिया है तो मैंने गोश्त भी निकाल लिया है और, तो और यहाँ पर मैंने चावल भिगो दिए थे सुबह यहाँ पर शहजादी जैनब बिरयानी की तैयारी करी थी तो मैंने इसे कहा था कि आप पहले पानी में आलू डाल देना फिर आलू मसाले में गलेंगे नहीं क्योंकि गोश्त भी उबला हुआ था तो शहजादी जैनब ने साथ ही मसाला और इसमें आलू डाल दिए थे चावल उबलने में ही और फिर जैसे ही आलू उबल गए थे और तो इसमें फिर इसने चावल डाल दिया था और मेरे तरीके से इसने किया था बस अपने स्टाइल से किया था और चावल उबल गए थे तो फिर इसने चावल निकाल दिए थे और फिर इसी तरह से जैसे मैंने इसको बताया कि आलू आ, को अलग करके थोड़े से चावल को अलग करके और इसमें थोड़ा सा रंग डाल के और इसको हिला लेना तो ये ऑरेंज हो जाएंगे और इसी तरह से किया था और मेरे यूट्यूब सुबह से देख रही थी कि मम्मा आज आपने गोश्त उबाल के रखा है तो बस मैं बना लूँगी और साथ ही आज मैंने सोचा कि शहजादी जैनब खाना बना रही है तो फिर मैं आज पौधे साफ़ करवा लेती हूँ तो मैंने माली को आज बुला लिया और साथ साथ मैंने कहा थोड़ी सफाई हो जाएगी और हम ही घर का काम कर रहे थे आज मेड भी नहीं थी तो फिर मैंने कहा तसल्ली से ये सारा काम हो जाएगी मेड्स होती हैं साथ साथ तो फिर फटाफट फटाफट फट फट अपने हिसाब से कर रही होती हैं और मेरा भी घर के अंदर सारा काफ़ी काम होता है तो यहाँ पर आज मैंने सारे पौधे हटवाए जो कुछ पत्ते वगैरह ख़राब हो रहे थे और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा खुदवाया है ताकि मैं कुछ और पौधे भी लगा सकूँ और कुछ करेले के पत्ते वगैरह चाहिए तो ये भी सब लेने और यहाँ पे साथ साथ मैं कपड़े शेयर कर रही हूँ आपसे कि कपड़े भी आज उठे नहीं थे बारह बज गए थे और ये सफाई हो रही थी साथ साथ पौधों की और फिर मैंने कपड़े भी उठाए जब पौधे की सारी सफाई हो गई तो फिर वहाँ से सारे मैंने कपड़े उठाए यहाँ साथ, साथ शहज़ादी जैनब बिरयानी की भी तैयारी कर रही थी और चावल निकालने के बाद फिर इसने बिरयानी के जो रेसिपी होती है वो रेडी की और चाहे गोश्त तो उबला हुआ था तो टेंशन नहीं थी फिर मैं अपने काम कर रही थी वो अपने काम कर रही थी और बस ये साथ साथ बिरयानी भी बना रही थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बच्चियों को जैसे छोड़ देना चाहिए आज इसकी क्लास नहीं थी तो फिर मैंने कहा कि आज ये बना लेगी और मैं काम कर लूँगी तो बस ये थोड़ा थोड़ा मैं इसको करने देती हूँ ताकि इसका भी हाथ साफ़ हो और कुछ चीज़ें ये शौक़ से कर सके और इसको आ भी जाए करने तो और थोड़ा बहुत जैसे चूल्हे के आगे खड़ा रहना है कितना टाइम लगता है किस चीज़ में और थोड़ा मम्मा का भी ये हो कि मम्मा भी रोज़ खाना बना के खिलाती हैं तो मम्मा मेहनत करती हैं तो बच्चियों में ये चीज़ बहुत डेवलप भी करनी चाहिए और इस तरह से भी थोड़ा थोड़ा इनके पास टाइम हो आज इसका स्कूल का काम भी नहीं था कुछ था नहीं तो मैंने कहा आज थोड़ा आ, कह रही है तो भले कर ले यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह से उबला हुआ था थोड़ा यखनी भी थी इसमें तो मैंने कहा सब साथ ही डाल देना और माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सफाई से बनाती है इसलिए मुझे तसली भी रहती है इसकी कि जैसे मुझे मस मसला नहीं होता है और साफ़ सुथरा काम कर लेती है उठा लेती है सब कुछ धोने का होता है तो धो भी लेती है और बस ये कि बेटियों को शुगर बनाना चाहिए और साथ साथ सफाई भी सिखानी चाहिए जैसे बना के हट ना जाएं सब कुछ साफ सुथरा भी करें और यहाँ माशाल्लाह अच्छा सा मसाला इसने भून लिया था और बस अब इसमें चावल डालेगी और एक इसका जो तय लगाएगी और बस अब ये चूल्हे पर रहेगा हमारा लंच रेडी होगा शाम को मेरा थोड़ा काम था मुझे कुछ डील का भी थोड़ा काम करना था अपना तो यहाँ पर मैंने वो भी थोड़ा बहुत कर लिया था रेडी था सब कुछ तो बस आज मेड नहीं आई थी तो यही सारा हमने सब कुछ निमटा लिया सारा कुछ और तसल्ली से भी थोड़ा हो गया क्योंकि थोड़े काम हम छोड़ देते हैं और थोड़े काम इस तरह के कर लेते हैं जो हमें तसल्ली से करने होते हैं बस तो हमारी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी है इस पर कलर डाल दिया था फ़ूड कलर और अब थोड़ी देर ये दम होगी और बस फिर लंच के लिए रेडी हो जाएगी और ऊपर से ये लाल प्याज डाल रही और माशाल्लाह मैं आज बिल्कुल भी इसको नहीं बताया था बस थोड़ा बहुत जो इसको मैंने सिखा दिया था सुबह में कि इस तरह से करना है और मेरा यूट्यूब चैनल भी देख रही थी सुबह से कि मम्मा के स्टाइल से करूँगी तो माशाल्लाह ये बिरयानी को दम भी लग गया था और बिरयानी रेडी थी अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी बना लेती है बिरयानी जायका होता है क्योंकि पता होता है कि पापा जो है वो बेटी का बनाया हुआ वैसे तो शौक़ से ही खा लेंगे और तारीफ भी करेंगे लेकिन ये कि रात का एक ही टाइम पापा हमारे साथ होते हैं तो शहज़ादी ने इस बात का भी ख्याल रखा था कि चीज़ जो है सही बननी चाहिए चावल मेरे पापा खुले खुले खाते हैं तो खुले ही होने चाहिए तो माशाल्लाह बिरयानी बिल्कुल रेडी थी तो ये शाम हो गई थी और ये मेरी कुछ डील के डब्बे थे तो मुझे अपनी बहन को भिजवाने थे तो ये सारी डील भी मेरी सब रेडी थी माशाल्लाह और तो मैंने बुलाया था एक बच्चे को मेरे तो वो देने के लिए जा रहा था तो ये सारे डील के डब्बे आ गए थे मेरे पास तो मैंने भिजवा दिया आगे उसको और कुछ चीज़ें जो मैंने घर के लिए थी वो भी फ्राई भी की थी और कुछ ये बाइट समोसे थे और ये पेटीज थे बॉक्स पेटीज थे तो मैंने कुछ बहन को भी इसमें से भिजवा दिया था मेरी एक बहुत प्यारी बहन है तो उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने उन्हें भी भिजवा दिया था और यहाँ पर कुछ मैंने रात के लिए फ़्राई भी अपने लिए कर लिए थे तो बहुत अच्छा लगा और बिरयानी के साथ ये सब अच्छा लगता है